हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगेंद्र कुमार सिंह, ए खान इंटर कॉलेज विशारदगंज से। समाजशास्त्र आज का विषय है। समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में, समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों माना जाता है, समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में क्यों देखा जाता है, पहले जानना आवश्यक है कि विज्ञान है क्या। किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत भी जो भी सामाजिक घटनाएं होती हैं, ये सामाजिक घटनाओं का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, इसलिए समाजशास्त्र को विज्ञान माना जाता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत जो सामाजिक घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं का तरीका क्या है, साधन क्या है, कौन कौन से वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाता है, तो पहला है विषय का चुनाव। विषय का चुनाव, दूसरा है विषय से जुड़ी अध्ययन क्षेत्र, तीसरा है प्रश्नावली एवं अनुसूची, चौथा है तथ्यों का संकलन, पांचवा है तथ्यों का वर्गीकरण, छठा है तथ्यों का विश्लेषण, सातवां है पूर्वानुमान या भविष्यवाणी, देखिए बच्चों, हम किसी सामाजिक घटना का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तरीके का चुनाव करना पड़ता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम विषय का चुनाव करते हैं, किस घटना का हमें अध्ययन करना है, किस घटना की हमें जानकारी लेना है, तो हम सबसे पहले विषय का चुनाव करेंगे। दूसरा आता है विषय से जुड़ी अध्ययन क्षेत्र। जो हमने विषय का चुनाव किया, इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, उस अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत हम उन तत्वों को इकट्ठा करेंगे उस अध्ययन क्षेत्र में जाकर। तीसरा आता है प्रश्नावली एवं अनुसूची। जो भी सामाजिक घटना का हमें अध्ययन करना है, उससे जुड़ी हम प्रश्नावली तैयार करते हैं, अनुसूची तैयार करते हैं। चौथा आता है तथ्यों का संकलन। जो भी सामाजिक घटना हुई, जो भी हमें तथ्य प्राप्त होते हैं उस अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत, उनको हम संकलन करते हैं, उनको हम एकत्रित कर लेते हैं। पांचवा आता है तथ्यों का वर्गीकरण। जो भी सामाजिक घटनाओं का हमने अध्ययन किया, जो भी विषय का हमने चुनाव किया, उससे जुड़ी हुई हम सामाजिक घटनाएं
एकत्रित कर लेते हैं, उनका वर्गीकरण कर लेते हैं, उनका छटान कर लेते हैं, जो तत्व हमारी विषय से संबंधित होते हैं उनको हम रख लेते हैं, उनका हम विश्लेषण करते हैं। इन्हीं तत्वों के आधार पर हम सामाजिक जो घटना थी, जो सामाजिक घटना का हमने चुनाव किया, उसके संदर्भ में हम भविष्यवाणी करते हैं, उसका हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। ये जो हमने तरीका अपनाया, ये ही तरीका कहलाता है वैज्ञानिक तरीका। इसीलिए समाजशास्त्र को एक विज्ञान भी माना गया है। समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक तरीके के आधार पर सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है। आज के लिए बच्चों इतना ही, कल के लिए हम एक नया टॉपिक लेकर चलेंगे। धन्यवाद।